ये तो नॉर्मल है। पूजा के घर में पुलिस, आइटम डांसर का आना, पुराने गहने, ऐसे सिचुएशन में तो कोई भी पागल हो सकता है। मैंने तो उनको बोल दिया है। अच्छा सुनो, धीमान को देखा कहीं? नहीं, श्रीमंत को भी नहीं देखा। मतलब गहने तुमने भेजे थे? मतलब मुझे लगा तो क्या तूने नहीं भेजा? छोटन, छोटन ने भेजा होगा। छोटन, तुम्हें पता है पारो दीदी के सूटकेस से कुछ कागजात? क्या हुआ, कपड़े क्यों पैक कर रहे हो छोटन? मैं अब यहाँ नहीं रहने वाला, मेरा यहाँ दम घुटता है, मैं जा रहा हूँ। तुम भाग रहे हो, भागकर बचना चाहते हो? कहीं नहीं जाओगे तुम, कहीं नहीं जाना है तुम्हें। क्यों ऐसा कर रही हो? मुझे जाना होगा, जाना ही होगा। मेरी एक बात सुनो, देखो तुम मुझ पर विश्वास करते हो ना? सब लोग जानते हैं पारो दीदी के पानी में डूबने वाले इंसिडेंट्स के बाद तुम्हारी दिमागी हालात कुछ ठीक नहीं है। तुम सुन रहे हो ना मेरी बात? छोटन, छोटन, तुम्हारे दिल के अंदर बहुत कुछ दबा हुआ है, बहुत कुछ छुपा हुआ है। मुझे क्या लगता है पता है, पारो दीदी के साथ तुम्हारा रिलेशन नॉर्मल हो जाने से तुम्हारे दिल का अंधेरा दूर हो जाएगा। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं होने वाला। ठीक हो जाओगे। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। तू ही कहती थी ना इस घर में कुछ अच्छा नहीं होगा। हाँ, सच में कुछ अच्छा नहीं होगा। मेरी एक बात सुनो छोटन, तुम्हारे मन में जो भी है सब बता दो, निकाल दो सब बाहर, बोल दो। अगर मैंने कुछ कह दिया ना तो ये पूरा घर तबाह हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, समझी? क्या जानते हो तुम? क्या खत्म हो जाएगा बताओ, क्या जानते हो? कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता मैं। ए, क्या कर रही हो यहाँ? मैं दरअसल वो उधर जा रही थी। मैं एकदम झूठ मत बोलना, यहाँ पे खड़ी होकर बातें सुन रही थी? नहीं भाभी, मैं कोई बात नहीं सुन रही थी, यकीन मानिए मैं तो बस जा रही थी। तुम कहीं पे नहीं जा रही थी, तुम यहाँ खड़े होकर बातें सुन रही थी और अभी पकड़े जाने पर झूठ बोल रही हो। रुको, मैं अभी तुम्हारी मैडम को बुलाती हूँ। भाभी यकीन मानिए, क्या हुआ? मैं अरे ये यहाँ खड़े होकर तुम लोगों की बातें सुन रही थी, अभी पकड़े जाने पर झूठ बोल रही है। पता नहीं इस साल क्या हो रहा है इस घर में, मैं परेशान हो गई हूँ। तुम जाओ। सुनो टिया, छोटे उनको बोलो पुलिस आई है, भाइयों के साथ बात करना चाहते हैं।